दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में, यानी वीपीएन क्या होता है, वीपीएन का यूज क्यों करते हैं या फिर वीपीएन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब, देखिए इस बात की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीपीएन जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि इसके बिना आपको जो है वीपीएन के बारे में समझ नहीं आने वाला। देखो यार, आप जब अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फोन के ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो ना, तो आपके डिस्प्ले पे तुरंत वो रिजल्ट शो होता है। कैसे, आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी आप कुछ सर्च करते हो ना अपने ब्राउजर पे, तो वो क्या होता है कि आपके आईएसपी तक जाता है वो रिक्वेस्ट, ठीक है। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस भी प्रोवाइडर, जिस भी ऑपरेटर का नेट आप यूज कर रहे हो उसको कहते हैं आईएसपी। तो उस तक वो रिक्वेस्ट जाता है, और आईएसपी क्या करता है, आपका रिक्वेस्ट वहां सेंड करता है जिस भी डेटा सेंटर में वो डेटा स्टोर्ड है। मान लीजिए कि मैंने गूगल सर्च किया, तो गूगल मान लीजिए यूएसए के किसी भी डेटा सेंटर में अगर स्टोर्ड है, तो वो वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वापस से लेकर आएगा आपके आईएसपी तक। आपका आईएसपी जो है आप तक वो प्रोवाइड करेगा और आपके वो डिस्प्ले पे दिखता है। ये होल प्रोसेस होता है आप कुछ भी सर्च करने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जब हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो वो सर्च कर सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोवाइडर को कि हमने ये सर्च किया और हमें वो सर्च रिजल्ट दिखाना है। तो देखो, इंटरनेट पे कोई भी आपको नहीं पहचानता, राइट, इंटरनेट आपको नहीं पहचानता। आपका भी एक आइडेंटिटी होता है इंटरनेट पे, जिसको कहते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। एक एड्रेस होता है आपका आईपी एड्रेस, जिससे वो पहचानते हैं कि ये कौन है। आप जब भी कुछ भी आप जब सर्च करोगे, कोई क्वेरी होगी, तो आपका आईपी एड्रेस जाएगा आपका आईएसपी के पास। आपका आईएसपी जो वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और आपके आईपी एड्रेस को सेंड कर देगा, आपका आईपी एड्रेस जो आपका डिस्प्ले पे वो दिखा देगा। ये पूरा होल प्रोसेस होता है। अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यार वीपीएन का यूज तो फिर यहाँ जन्म कैसे होता है, या फिर वीपीएन का यूज क्यों करते हैं। तो देखो, अब हम थोड़ा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि कोई वीडियो, कोई वेबसाइट या फिर कोई एप्लीकेशन है जो कि किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए है। मान लो आप इंडिया पे रहते हो या फिर किसी भी कंट्री पे रहते हो, आपके कंट्री में वो अवेलेबल नहीं है, दूसरे कंट्री पे वो अवेलेबल है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप उस वेबसाइट को विजिट करोगे ना, तो आपका आईपी एड्रेस जाएगा आप उस डेटा सेंटर पे जहां पे वो डेटा स्टोर्ड है। वो डेटा सेंटर आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करेगा और वो देखेगा ये तो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया को ये अलाउड नहीं है, तो वो आपके आईपी एड्रेस को विजिट करने नहीं देगा। वो वहीं पे आपका आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देगा, जिसके चलते आप उस वेबसाइट को विजिट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जन्म होता है यहाँ पे वीपीएन का। अब वीपीएन क्या करता है, एक ऐसा मतलब नेटवर्क है जो कि आपके जो डिटेल्स है या फिर आपका जो मतलब आईपी एड्रेस है उसको एक पैकेट में पैक कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। वो पता नहीं चलने देगा कि ये कहाँ का है, ठीक है। जब आप उस कंट्री, अब मान लो कि उस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, आपके किसी भी कंट्री के आपने वीपीएन को कनेक्ट कर लिया, और किसी भी कंट्री का आपने वीपीएन को कनेक्ट कर लिया, और उस वीपीएन से आप उस कंट्री को फिर से विजिट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके कंट्री पे अवेलेबल नहीं है, दूसरे कंट्री पे तो है। जिस कंट्री पे वो अवेलेबल है, उस कंट्री का वीपीएन यूज करके आप वहां पे जा सकते हो। अब वीपीएन यूज करने से होता ये है कि आपका जो आईपी एड्रेस है, आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा एक पैकेट में पैक हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, जिससे कि वो डेटा सेंटर है उसको ये नहीं पता चल पाता कि ये किसका आईपी एड्रेस है। उसको ये लगता है कि हमारे कंट्री का ये आईपी एड्रेस है, इसको अलाउड किया जाए, इसको एंटर करने दिया जाए और आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एडल्ट वेबसाइट, या फिर बहुत बार आपने सुना है पबजी बैन हो गया या फिर टिकटॉक बैन हो गया। तो ये सब देखिए, एप्लीकेशन या वेबसाइट कभी बंद नहीं होते, आपका आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। आपके आईएसपी को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपके आईपी एड्रेस जो है आप इस पे एंटर ना की करने दिया जाए, ठीक है। तो आपका आईएसपी जो है वहां आपको इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाता ही नहीं है, तो आप उस वेबसाइट पे विजिट कैसे करोगे। दोस्तों ये था पूरा होल प्रोसेस वीपीएन का। अब देखिए, वीपीएन कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदे ये है कि आप जो बैन वेबसाइट्स है या फिर जिसको आप विजिट नहीं कर सकते, जो आपके लिए अलाउड नहीं है, आप फिर भी उस पर विजिट कर सकते हो। दूसरा फायदा ये कह सकते हो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, जिससे कि कोई ट्रैक नहीं कर पाता। अगर मान लीजिएगा विदाउट वीपीएन के कुछ यूज करते हो, तो आपका जो आईएसपी है वो आपको ट्रैक कर सकता है, वो आपको देख सकता है कि आप किस किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, कितने कितने बजे आपने क्या क्या किया, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन पे आपको वो नजर रख सकता है। लेकिन वीपीएन पे आने के बाद जो है वो सारा इनक्रिप्ट हो जाता है, आपका आईएसपी भी आपको नहीं ट्रैक कर सकता, राइट। अब यहाँ पे नुकसान ये है कि देखो, वीपीएन जब हम यूज करने जाते हैं, तो गूगल पे हम सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे वीपीएन, तो आपको वीपीएन के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। देखिए, वीपीएन फ्री भी होते हैं, पेड भी होता है। फ्री में देखिए एक ये खतरा बना रहता है कि हो सकता है जो आप फ्री वीपीएन यूज कर रहे हो वही हैकर हो,
या फिर वही आपका डेटा चुरा रहा हो, उसके पास सारे डेटा स्टोर हो रहे हैं, हो सकता है कभी आगे चल के वो आपका डेटा का मिसयूज भी कर सकता है। तो मतलब ये सब एक मतलब डाउट रहते हैं कि अब किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अब कोर्स आप आज के टाइम में तो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर कोई आप पे डेटा निकालने पे लगा हुआ है, तो ऐसे में आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए पेड भी है फ्री भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीपीएन यूज करना चाहते हो या फिर कौन सा आपके लिए अफोर्डेबल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बजट है तो आप पेड वीपीएन लें, जिससे कि थोड़ा सा आपको मतलब रिलीफ मिल सके, फ्री पे आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को समझने में कोई दिक्कत है या फिर आपका मन में कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। साथ ही एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। अगर आप हमें चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।